आज बेंगलुरु में आप लोग की मीटिंग हो रही है, कैसे इस बात पर है? मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाना है। उनकी सनक है कि मोदी को हटाएंगे और जनता की जिद है कि मोदी को हम पुनः बैठाएंगे। तो जन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। विपक्षी दल के नेताओं के हाथ मिलाने से अगर सत्ता बदल जाती तो 2019 के पहले ये लोग बंगलोर में हाथ मिला चुके थे। जनता ने ठान लिया है कि देश में जो विकास की डोर है उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। भारत चौतरफा तरक्की कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, नरेंद्र मोदी के मुकाबले कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो हताश निराश लोग हैं जो वंशवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनडीए की लहर में, मोदी के लहर में इनका सफाया होने वाले हैं। एक दूसरे का हाथ थाम के बचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बचने वाले नहीं हैं। पुनः नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी को प्रचंड बहुमत बने मिलेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। पटना में लालू और बेंगलोर में सोनिया गांधी की बैठक की जा रही है, कैसे इसको देखें? पहले भी ये लोग एक साथ थे या लालू नीतीश पहले से एक साथ नहीं है? क्या बिहार में लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस के लोग एक साथ नहीं है? ये कौन सी नई बात है? क्या पिछले चुनाव में इन लोगों का कई राज्यों में गठबंधन नहीं था? हर चुनाव के पहले एक कवायद होती है। जिसको लगता है कि हम बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगे तो कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र में तो हम मानते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। पिछले 200 लोकसभा चुनावों से ऐसी स्थिति बनी सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि कोई दल इस लायक भी नहीं बचा कि वो प्रतिपक्ष का दर्जा पा सके। तो लोकतंत्र में विपक्ष प्रजातंत्र का प्राण होता है। विपक्ष मजबूत हो ही हम चाहते हैं, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना हमारा काम नहीं है। और जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है, कौन किसको नेता मानने वाला है? सब अति महत्वाकांक्षी हैं, एक अनार सौ बीमार, वैकेंसी है नहीं, राज्यों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, कैसे एकता होगी? कौन नेता है आपका? क्या आपकी नीयत है? क्या नीति है? सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना और जनता ने ठाना कि फिर नरेंद्र मोदी को है लाना, तो जनता जीतती है ना, नेता नहीं जीतते हैं लोकतंत्र में। बेंगलोर में पोस्टल बाढ़ शुरू हो चुकी है, पुल गिरने वाले तो पोस्टल वहाँ पे लग गया नीतीश कुमार का, कैसे इसको? देखिए, नीतीश कुमार देश के सबसे अविश्वसनीय नेताओं में से एक हैं। कई बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, देश को पता है, कई बार पाला बदलने वाले हैं, जनादेश का अपमान करने वाले हैं। और जिसके खिलाफ लड़ाई लड़कर नीतीश कुमार बने थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, उसी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो भरोसा के लायक हैं भी नहीं। और जो कुकृत्य कर किया है इन्होंने और आज बिहार जिस स्थिति में पहुंचा है, जिस वहीं पुराने हालात में जिसको जंगल राज कहा जाता था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, विकास पूरी तरह से ठप है, तो स्वाभाविक है इसको लेकर लोग नीतीश कुमार को तो याद करेंगे ही। जब भी नीतीश कुमार का नाम आएगा ये सवाल उठेगा, इनके शासन के तरीके को लेकर के, इनके अविश्वसनीयता को लेकर ये बातें तो गूंजेंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। मुकेश सहनी को निमंत्रण नहीं दिया गया, एनडीए में है? देखिए, एनडीए में जो लोग अब तक हैं उनको बुलाया गया है। एनडीए का कुनबा भविष्य में और बढ़ने वाला है, एनडीए का और विस्तार होने वाला है। 2024 के चुनाव आते आते देख लीजिएगा कौन कौन से दल एनडीए में शामिल होते हैं, क्योंकि सबको पता है जो देश का विकास चाहेगा वो एनडीए के साथ आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। जो देश के तरक्की में सहभागी बनना चाहता है वो एनडीए के साथ आना चाहता है। तो ये कतार और लंबी होने वाली है। आज 38 घटक दलों की बैठक है, आगे आगे देखिए होता है क्या। महागठबंधन बोल रही है कि एनडीए डर चुकी है। देखिए, महागठबंधन तो कमज़ोर हो रहा है। मांझी जी महागठबंधन से निकल गए, उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन से निकल गए। तो महागठबंधन तो दिनों पर दिन कमज़ोर हो रहा है। कहाँ, बिहार में उनके साथी घट रहे हैं। तो महागठबंधन को देर समेर समाप्त होना है।
अभी अस्तित्व को बचाने के लिए गलबहियां करके घूम रहे हैं। अभी तो एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। नीतीश जी चाह रहे हैं कुर्सी पर बैठे रहें, लालू जी चाह रहे हैं कि तेजस्वी के लिए कुर्सी हम खाली कराएं। तो इस सहमत का खेल चल रहा है, कुछ दिनों का इंतजार करिए, सामने सब कुछ आ जाएगा। पीएम के उम्मीदवार हैं, पीएम के उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार कहीं से उम्मीदवार, कोई तैयार नहीं था, मन तो था लेकिन कोई देखिए इनको चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है, महत्वाकांक्षा जगाया जा रहा है कि आप कुर्सी छोड़िए बिहार की। उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल दबाव बना रहा है। जगदा बाबू ने कहा कि 2023 में नीतीश जी कुर्सी खाली कर देंगे, शिवानंद जी ने कहा कि अब आश्रम में जाइए, राजद के कई विधायकों ने समय समय पर दबाव बनाया कि अब जो कमिटमेंट है आपका अंदरूनी उसको पूरा कीजिए, लेकिन नीतीश जी मोहलत चाह रहे हैं। विपक्षी एकता के अभियान में इसीलिए जुटे हैं कि कुछ दिनों के लिए मोहलत मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल इनको मोहलत देने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।